महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली। ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे और करौली में शाम 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। पीएम मोदी ने एनडी गठबंधन पर लगाया हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने की मंशा का आरोप। नागपुर के रामटेक में कहा एनडी गठबंधन ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता ठुकराया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये लोग हिंदू धर्म की शक्ति को भी समाप्त करना चाहते हैं। अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के कवर पेज पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ लिखा गया अनस्टॉपेबल। पीएम ने इंटरव्यू में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाने वालों पर साधा निशाना, कहा भारत में रहने वाले सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ एक जैसा व्यवहार। राजस्थान के बीकानेर में विदेश मंत्री अजय शंकर का आतंक पर करारा जवाब, कहा अगर आज के भारत में आतंकवादी घटना होगी तो जवाब उरी और बालाकोट से दिया जाएगा। आज का भारत अगर आतंकवाद कोई आतंकवादी घटना हो, हमारा जवाब जो है वो उरी का है और वो बालाकोट। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा, पार्टी पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से आहत होकर दिया इस्तीफा। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद, मैंने इस्तीफा दिया और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर, कुपित होकर, दुखित होकर इस्तीफा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को दी कड़ी चेतावनी। जम्मू की एक रैली में कहा यूपी में दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाता है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। और अब बात दिल्ली से आई खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी पर लग रहे आरोपों से आहत हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस दौरान राजकुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।